हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को पढ़ा था लेबोरेटरी फ्रेम में, और उसके अलावा हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होती है इसको भी डिटेल में स्टडी किया था। अब हमारा आज का टॉपिक है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो जो हमने कोलिजन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमें तीन टाइप की कोलिजन्स को स्टडी करना है। पहला है वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फिर दूसरा है वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और फिर तीसरा है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। जो टू डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए हमारे सिलेबस में तीन ही टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, और इन तीनों को ही हम बारी बारी लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एल फ्रेम, सी फ्रेम, एल फ्रेम और सी फ्रेम में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम ये वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन लेबोरेटरी फ्रेम। इस टॉपिक में हम वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम और वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन एल फ्रेम को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होती है ये मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में समझा चुकी हूँ डिटेल में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये होती है कि दो बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास पर अगर हम अपनी फ्रेम का ओरिजिन पॉइंट रख दें, तो इस टाइप की जो रेफरेंस फ्रेम होती है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही हमारी रेफरेंस फ्रेम का क्या बनेगा, ओरिजिन पॉइंट बनेगा, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, और इसमें जब हम कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ये आपको बिल्कुल उसी तरह से समझना है जैसे कि ऑब्जर्वर इस ओरिजिन पर या इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठा है, यानी कि दो चीज़ें जब टकराएंगी तो आपको ऐसा आपको मानना है कि आप यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो उनके सेंटर ऑफ मास पर ही क्या है, बैठा हुआ है, उस फ्रेम को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन को जब लेबोरेटरी फ्रेम में स्टडी किया था, लेबोरेटरी फ्रेम वो होती है जिसमें हम दूर खड़े होकर के किसी घटना को क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक बॉडी आगे की तरफ चल रही है, दूसरी बॉडी भी चल रही है। अगर ये जो सेकेंड बॉडी है इसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी से ज़्यादा होगा तो ये पीछे से आकर के इसे क्या मारेगी, टक्कर मारेगी। लेकिन मान लेते हैं ये दो बॉडीज़ है, यहाँ कहीं बीच में इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो आप इसी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऑब्जर्वर है वो इसी के ऊपर रह कर के सारी घटना को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको ये टक्कर किस तरह से दिखाई देगी, तो आपको पता है कि इस वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है लेबोरेटरी फ्रेम के अकॉर्डिंग, और इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कम है। तो जब ये दोनों ही आगे की तरफ चल रही है तो इनका सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ चलेगा, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी VCM वो किसके बराबर होगी, m1u1 + m2u2 / m1 + m2। और ये जो VCM है ये V2 से तो कम होगी लेकिन V1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी से तेज गति से ये वाली चीज़ मोशन करेगी और ये भी इस डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। अब आप ये समझिए, मान लीजिए ये तीन कारें हैं, आप इस बीच वाली कार में बैठे हुए हैं, आपके पीछे एक ट्रक आ रहा है और आपके आगे भी एक कार क्या है, चल रही है रोड पर। तब अगर ये वाला जो पीछे वाला ट्रक है ये बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है और आपकी स्पीड इस ट्रक से तो कम है लेकिन आपके आगे वाली गाड़ी से क्या है, ज़्यादा है, और इसी तरह से एक आगे की गाड़ी भी जो है वो आगे की तरफ चल रही है, तो जब आप इस गाड़ी से पीछे मुड़ कर के इस ट्रक को देखेंगे तो ये ट्रक आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा बहुत तेज स्पीड से, और क्योंकि अब आप भी चल रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रक को भूल जाइए, अगर आप अपने आगे इस गाड़ी को देखेंगे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो आपको ये एहसास होगा कि वो गाड़ी स्टेबल है और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, आपको ये दिखाई देगा कि ये जो आगे वाली गाड़ी है ये बिल्कुल एक ही जगह पर है और ये आपकी तरफ आपको आते हुए दिखाई देगी, आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको साइड में लगे हुए पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये वाली गाड़ी आपको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी। ठीक है,
यानी जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन को स्टडी करते हैं तो हमें दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ गति करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट रखना है। जहाँ जहाँ ये सेंटर ऑफ मास जाएगा आपकी फ्रेम और आप खुद भी वही वही जाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से इसके सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट रखने के लिए आपको ये दिखाई देगा कि दोनों बॉडीज जो है वो आपस में एक दूसरे के पास आकर के टकरा रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी u2 है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vcm, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो हमें पहले वाले की डैश वाली वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, u1 माइनस vcm, ठीक है, और इसी तरह से u2 डैश भी क्या हो जाएगा, u2 माइनस vcm, है ना। और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी, टकराने के बाद ये जो डैश वाले टर्म्स है ये लेबोरेटरी फ्रेम में है, है ना। कोई और व्यक्ति लेबोरेटरी फ्रेम में से भी खड़ा होकर अगर इनको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये दोनों इनकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटीज़ है और ये दोनों लेबोरेटरी फ्रेम में, सॉरी, ये जो दो वेलोसिटीज़ है ये इनकी ओरिजिनल वेलोसिटीज़ है ना, यानी लेबोरेटरी फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर इनकी ओरिजिनल वेलोसिटी, और ये वो वेलोसिटीज़ हैं जो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में महसूस होगी या दिखाई देगी, ठीक है। वेलोसिटीज़ ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम, ठीक है, ये होगी टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ u1 डैश और u2 डैश, और टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ v1 डैश और v2 डैश, ये भी क्या हो जाएगी, v1 माइनस vcm, और ये क्या हो जाएगी, v2 माइनस vcm, यानी आपको ओरिजिनली लेबोरेटरी फ्रेम में इनकी जो वेलोसिटीज़ दिखाई दे रही थी उसमें से आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम u1 डैश को कैलकुलेट कर ले तो हम u1 माइनस vcm की वैल्यू पुट करें, vcm की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये वाली चीज़, इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, इस वाले टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास बचेगा m2 u1 माइनस u2, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास u1 की। इसी तरह से हम u2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसमें vcm को रख करके, जब हम u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगी u2 डैश की, हमें वैल्यू मिलेगी m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमें मिली u1 डैश की वैल्यू और u2 डैश की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं इसका मोमेंटम, ठीक है ना, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम टकराने से पहले का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, और क्योंकि हम ये सी फ्रेम यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनकी वेलोसिटी क्या है, u1 डैश और u2 डैश। तो इन दोनों की वैल्यूज़ अभी हमने पीछे कैलकुलेट की है, u1 डैश की वैल्यू और u2 डैश की वैल्यू दोनों ही हम उस इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा m1 m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप देख सकते हैं कि m1 प्लस m2 जो है वो पूरे में से LCM आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा m1 m2 u1 माइनस u2 प्लस m2 m1 u2 माइनस u1, ठीक है, अपॉन में पूरा क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो सेम यही वाली टर्म बन जाएगी, तो पूरे में से पीछे वाली टर्म में से मैं क्या ले लूँगी, माइनस को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ बनेगा m1 m2 और क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम टर्म्स है ना, ये भी क्या है m1 और नीचे पूरा m1 प्लस m2 क्या चल रहा है, LCM के तौर पर चल ही रहा है। अब आप देख सकते हैं
ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो इस टर्म से ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो। यानी टकराने से पहले बॉडी का जो टोटल मोमेंटम था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो क्या था, ज़ीरो। अब हम ये कौन सी टाइप की कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो होता है, वैसे मोमेंटम दोनों ही टाइप की कोलिजन में कंजर्व रहता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और दोनों ही केस में कोलिजन कितना रहेगा, ज़ीरो, है ना। वैसे भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम को ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं, है ना, शून्य संवेग फ्रेम भी कहा जाता है, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या था, पढ़ लिया था। तो इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इससे अब हमें ये मिला m1u1 + m2u2, ये भी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 + m2v2, ये भी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम u2 और v2 की वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से u2 मिलेगा, ये टर्म प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस का m1u1, और यहाँ पर m2 मल्टीप्लाई में है, इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह से हम v2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v2 में भी ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, m1v1 / m2, ठीक है। ये दोनों हमने किसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, u2 और v2 की वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम जानते हैं हम किस टाइप की कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ लगा लेंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा, 1/2 m1u1 / 1/2 m2u2 / 2, ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये किसके बराबर रहेगी, 1/2 m1v1 / 1/2 m2v2 / 2 के बराबर होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है, वो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है। तो अब यहाँ पर हम u2 और v2 की जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको सब्सटीट्यूट कर ले, सबसे पहले पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, फिर हम u2 और v2 की वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर से भी पूरी इक्वेशन में से u1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, u1 स्क्वायर, है ना। तो इस पूरी LHS में से हमने u1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा m1 + m2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m1 square upon m2 square, ठीक है। अब इस एक m2 से 1 m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा u1 square into m1 upon m1 square upon m2। इसी तरह से जब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से v1 square क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और सेम चीज़ हमें मिल जाएगी m1 + m2, ठीक है ना। इस m2 से इस m2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा m1 का स्क्वायर upon m2। सेम चीज़ें क्या आ गई, कॉमन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर। दोनों साइड का जब आप रूट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड जब आप रूट करेंगे इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा u1 = +-v1, है ना। दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो उससे हमें मिलेगा u1 = +-v1। इसी तरह से जब आप इसी चीज़ को यूज़ करके, पहले आपने दोनों में 2-2 वाली टर्म्स की वैल्यू निकाली थी, जब आप 1-1 वाली टर्म्स की वैल्यू निकाल करके सिमिलरली पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा u2 = +-v2, ठीक है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटीज़ का सिर्फ और सिर्फ आपस में ट्रांसफ़र होता है, उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि जो U1 डैश है वो हमेशा V1 डैश की क्या होगी, बराबर रहेगी, और V2 डैश जो है वो U2 डैश की हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सिर्फ और सिर्फ उनकी डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। यानी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दोनों टकराने से पहले एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, तो टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ये हो जाएगा हमारा बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। आफ्टर कोलिजन ये आपकी सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम है, तो आफ्टर कोलिजन आपको दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ये होती है हमारी वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन एल फ्रेम, यानी लेबोरेटरी फ्रेम। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, इस टाइप की कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हम एक केस स्टडी करते हैं। मान लेते हैं ये M1 है और ये हमारी बॉडी M2 है। M1 और M2 दोनों U1 और U2 वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। M1 और M2 आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और एक ही वेलोसिटी V से क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक इन इलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है, उसका क्या हो जाता है, डिसिपेशन हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के केस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टकराने से पहले इनका जो मोमेंटम था, इस बॉडी के मोमेंटम के और इस बॉडी के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा, लेकिन टकराने के बाद दोनों एक ही बॉडी बन गई है और एक साथ चलती है, तो टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। तो यहां से टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म दोनों तरफ डिवाइड में आ जाएगी, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू U2। यहाँ से हम इनकी टकराने के बाद जो जॉइंट कम्बाइंड बॉडी बनेगी उसकी वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, है ना, इसकी एक स्पेशल कंडीशन पढ़ लेते हैं। इफ़ U2 is equal to 0, यानी मान लेते हैं कि टकराने से पहले हमारी ये जो सेकेंड बॉडी है वो किस पर रखी हुई थी, रेस्ट पर रखी हुई थी। तो उस केस में अगर हमें V कैलकुलेट करना है तो ये U2 0 हो जाएगा। U2 0 होने की वजह से ये पूरी ही टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और दोनों बॉडीज के मासेस पर डिपेंड करती है। अगर M1 ज़्यादा होगा तो बाद में रिजल्टेंट बॉडी की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर M1 कम होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, यानी वो धीरे गति से क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। हमने पहले भी निकाला था, लास्ट वीडियोस जो हमने पढ़े थे उसमें हम निकालते हैं के फाइनल अपॉन के इनिशियल या फिर K2 अपॉन K1। हम वो रेशियो निकालते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, है ना। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मान लेते इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 20 यूनिट्स है और ये रेस्ट पर रखी हुई थी, तो इसकी काइनेटिक
एनर्जी क्या थी? जीरो थी। और टकराने के बाद इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का, टकराने के बाद मान लेते हैं इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का आधा भाग इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 10 रह जाएगी और इसकी भी 10। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 10/20 क्या आएगा? 1/2। यानी उसने अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी को क्या कर दी? ट्रांसफ़र कर दी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, K1 से या K इनिशियल से। तो पहली बॉडी जो कि U1 से क्या थी, मोशन में थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m1 u1 square। लेकिन दूसरी बॉडी हमारी रेस्ट पर थी, क्योंकि हमने माना है u2 = 0। तो दूसरी बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम आफ्टर कोलिजन की बात करें, टकराने के बाद दोनों ही क्या हो जाती है? एक ही बॉडी बन जाती है। तो टकराने के बाद उस सिंगल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? m1 + m2 × v2। एक ही वेलोसिटी से दोनों एक ही बॉडी बन करके चलने लगती है ना। तो जब हमें रेशियो निकालना है तो k2/k1, काइनेटिक फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं ना, काइनेटिक फ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या मिल जाएगा? 1/2 m1 + m2 × v2 / 1/2 m1 u1 square, है ना, m1 u1 square। अब 1/2 से 1/2 तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इस v की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अभी अभी हमने v की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी, m1/m1 + m2 × u1। इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v, है ना, v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, बाकी की बची हुई चीज़ों को हम एज इट इज़ उतार लेंगे और v की जगह पर रखेंगे m1/m1 + m2 square × u1 square। तो सबसे पहले u1 square से u1 square कैंसिल हो जाएगा, इसके m1/m2 के स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। और क्या बचेगा? नीचे बचा एक m1 + m2 और ऊपर क्या बचा? एक m1 से एक m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा m1। यानी कि हमें काइनेटिक फ्रैक्शन कितना मिला? यहाँ पर इस m1 का भी स्क्वायर था, इस m1 + m2 का भी स्क्वायर था, तो एक एक बार ये सारी चीज़ें आपस में कट गई और u1 square से u1 square कैंसिल हो गया। तो हमें काइनेटिक फ्रैक्शन मिला k2/k1 = m1/m1 + m2। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये दोनों ही आपस में बराबर हो, m1, एक और कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ m1 = m2, है ना, यहाँ पर u2 0 होने के साथ साथ अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m/2m, तो m से m कट जाएगा, यानी 1/2। तब जो पहली बॉडी है वो अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी का आधा हिस्सा दूसरी बॉडी को क्या कर देगी? ट्रांसफ़र कर देगी। यानी कि 50% एनर्जी जो है वो जॉइंट बॉडी के पास बचेगी और बाकी 50% एनर्जी जो है वो टकराने के दौरान डिसिपेट हो जाएगी, है ना। जैसे कि इसी केस को हम समझते हैं, पहले ये बॉडी क्या थी? रेस्ट पर रखी हुई थी और ये बॉडी 20 यूनिट एनर्जी के साथ चल रही थी, दोनों टकराई और बाद में जाकर के जुड़ गई। तो इस जो टोटल बॉडी बनी है नई, उसके पास एनर्जी सिर्फ 10 यूनिट बची। यानी इस बॉडी ने अपनी आधी एनर्जी तो यहां पर ट्रांसफर कर दी, लेकिन आधी बची हुई एनर्जी टकराने के दौरान क्षय हो गई, वेस्ट हो गई, डिसिपेट हो गई, है ना। यानी कि ये कोलिजन इन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन नहीं है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी टकराने की वजह से किसी ना किसी फॉर्म में क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन को CM फ्रेम के अंदर समझेंगे।